हेलो जी, अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आज किस नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत और अभी हूं मैं ऋषिकेश में। जैसा कि आपने रिसेंट वीडियो में देखा होगा भाई, अपन गंगोत्री और यमुनोत्री दर्शन करके यहाँ पे आ चुके थे ऋषिकेश में। अभी आज अपन ऋषिकेश को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऋषिकेश में कोई भी जगह एक्सप्लोर करूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बताना। वैसे आज अपन शायद से नीलकंठ महादेव मंदिर, भूतनाथ महादेव मंदिर और शाम को त्रिवेणी घाट पर आरती, ये दो तीन चीजें जो है अपन आज के दिन में करेंगे। बट उससे पहले भैया रूम चेंज करेंगे। भैया यहाँ पर ना बाहर का साउंड ओवर आ रहा, रात भर पता नहीं बाहर कोई कुत्ता उत्ता भोंक रहा था और गाड़ियों की आवाज ना हद से ज्यादा आ रखी थी। मैं सोचूं, मैंने कहा साला मेरा मुंह इतना पिंक पिंक क्यों आ रखा है, अब पता चला पर्दा पिंक है। बाकी भैया अभी बस रेडी हो चुके हैं, नहावा तो लिए अपन, लग नहीं रहा हूँ बट नहा लिया भैया, थोड़ी आंखें ऐसी लग रही है। अगर अभी चलते हैं बाहर को रूम देखते हैं और फिर चेंज करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो भैया उधर साउंड से परेशान होके, मतलब बैकग्राउंड नॉइज से परेशान होके इधर आके अपन ने दूसरा रूम ले लिया। आसपास ही है, मतलब ज्यादा दूर नहीं लिया, ये रूम थोड़ा ठीक है और बैकग्राउंड नॉइज भी यहाँ पे भैया इतनी नहीं आ रही और यहाँ पे मैं कैमरा में बड़ा अच्छा आ रहा हूँ। एनीवे कोई बात नहीं, रूम चेंज कर लिया, ये वाला ठीक है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर एडिटिंग करेंगे फिर अपन निकलेंगे बाहर घूमने के लिए, थोड़ा बहुत ऋषिकेश को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे भैया। हाँ देख लो, मैं कच्छे में बैठा हूँ। चलिए मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मैं आपको ले जाने वाला हूँ इस वीडियो में एक ऐसी जगह जहाँ पे कि भगवान शिव ने हलाहल विष जो है वो ग्रहण किया था। हाँ जी, तो मैं आपको ले जाने वाला हूँ ऋषिकेश में स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे चलते हैं, भगवान शिव के आपको भी दर्शन करवाते हैं, मैं खुद भी दर्शन करता हूँ। वैसे पहले आ चुका हूँ बट यहाँ पे मैं गया नहीं था, अभी जाने वाला हूँ। तो चलिए सीधा चलते हैं अपन यहाँ से नीलकंठ महादेव मंदिर। रास्ते में भैया बड़े खूबसूरत से जंगल वाला रास्ता है, बड़ा प्यारा सा रास्ता है, तो उसको एंजॉय करते करते आराम से चलेंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में एक बार हर हर महादेव जरूर से लिख देना। चलिए निकलते हैं यहाँ से। नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि ऋषिकेश से 26 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर है, जिसे कि मणिकुट पर्वत कहते हैं। यह मंदिर मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर है। ऋषिकेश से जानकी पुल होते हुए आप यहां जा सकते हैं। यहां जाने के लिए आधा रास्ता माँ गंगा के किनारे किनारे ही चलता है, जो कि बहुत सुंदर है। सनातन धर्म में यह स्थान बहुत महत्व रखता है। ऐसा नीलकंठ महादेव मंदिर से ऋषिकेश तक आप जाओगे ना, बीच का रास्ता जो है इतना खूबसूरत सा, सारा पहाड़ों वाला रास्ता है, मतलब सिंगल रोड है बट थोड़ा सा रिस्की टाइप में है। आराम से, ध्यान से चलना, प्यार से, धीरे धीरे। बाकी रास्ता वैसा एकदम मस्त है और यहाँ से जो व्यू दिखता है ना ऋषिकेश और पूरी गंगा नदी का, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो वैसा, और ये रही पूरी गंगा नदी, और सनसेट के टाइम पे तो यहाँ से व्यू क्या ही मस्त लग रहा है यार, मज़ेदार है यार। लोकेशन तो बड़ी प्यारी है, बाकी ज़्यादा बारिश में आ रहे हो तो मत आना भैया, थोड़ा सा रिस्की है। और ये अपने जाने मन, हाँ जी, तो भैया फाइनली अभी आ चुके हैं मंदिर के, यहाँ मंदिर के पास में चलते हैं अंदर की तरफ भगवान के दर्शन करने के लिए। एक बार भैया दर्शन करके फिर ही आपसे मिलते हैं अच्छे से। यार ये गाड़ी पार्क करवाने के लिए तो वैसा भी इतना पीछे पड़ जाते हैं ना। तो भैया आ चुके हैं अभी नीलकंठ महादेव मंदिर। सब मंदिर का रास्ता तो अजीब ही है पूरा ये। मंदिर का रास्ता इस तरीके से बना रखा है ना ताकि लोग मैनेज हो जाए, मतलब बड़ा भूलभुलैया टाइप का है। मैं 10 बार तो इधर उधर हर के जाते जाते बचा हूँ। ऐसा वैसे कंटिन्यू यहाँ पे तो जल की धारा भी बहती रहती है, नेचुरल पानी आ रहा है ये। आप चाहे तो यहाँ पे नहा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, ऐसे लोग जाते हैं। और इस तरफ भी आ रहा है।
बाकी वैसा रास्ता बड़ा कंफ्यूजन वाला, मंदिर में कहीं पे भी जाओगे ना हद से ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। नीलकंठ महादेव मंदिर। जब समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला तब भगवान शिव ने इसे स्थान पर उसे कंठ में धारण किया और नीलकंठ महादेव कहलाए। भगवान शिव ने इसे स्थान पर 60,000 वर्षों तक तपस्या करी। मान्यता है कि यहां भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हाँ जी, तो भैया वैसे तो दर्शन करके आ चुके हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट है, मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छी जगह है वैसे, आने जैसी जगह, शांत भी है, वैसे भीड़ है बट एक्चुअल में शांत है। मेरे नाम का सुनो, हाँ जी, तो भैया वैसे दर्शन करके तो आ चुके हैं यहाँ पे। अपन ने ज़्यादा कोई वीडियो शूट करी नहीं, थोड़ी सी जगह अच्छी थी और झूठ करने जैसा भी कुछ खास था नहीं। पूरा मंदिर के लिए ना रास्ता पैक पैक सा कर रखा, तो मंदिर भी अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो ठीक है, आराम से ऐसे घूम घूम के आगे दर्शन करके आ गए। आपको नीचे कहीं पर दर्शन करवाते, नीचे और किसी जगह पर लेके चलते हैं। चलिए यहाँ से तो निकलते सीधा नीचे की तरफ।